I like the very Pennsylvanian kind. हाँ माय यार तुम्हें पता भी है पेंसिल्वेनिया है किधर? हाँ हाँ ऑफ कोर्स वो अमेरिका जाते हैं ना तो फिर न्यूयॉर्क लेफ्ट में आता है फिर थोड़ा आगे जाते तो वॉशिंगटन आता है ना बस फिर बस यूटर्न लेकर पांच पांच मिनट दूर पेंसिल इंस्टेंट हाँ अच्छा वहाँ पे पतीली पड़ी है उसमें पानी बोल करो मैं दो मिनट में चेंज कर दिया ओके कॉफी तो मैं भी अच्छी बना लेती हूँ थैंक यू बट नो थैंक यू सब आपको क्या इस उबले हुए पानी से इश्क हो गया हाँ नहीं वो कॉफी पाउडर और शुगर अगर आज ही कफ कफ करना लेकिन एक प्रॉब्लम है क्या इसके बाद ना तुम मुझे बुलाती रहोगी बार बार क्यों क्योंकि इसके बाद तुम्हें और कोई कॉफी तो पसंद ही नहीं आएगी ना तुम भी कोई मौका छोड़ते नहीं हो ना कॉफी Yours to my new teacher. Cheers. आपको मॉम बाद में फोन करता हूँ ना किसके घर पे हो हाँ मामा आपको बाद में फोन करता हूँ चलो बिजी हूँ बाय मम्मा से झूठ वेरी बैड मैं तो मम्मा से कभी झूठ नहीं बोलती अच्छा तो अगर तुम्हारी माँ का फोन आता तो तुम उनसे क्या कहती हेलो मम्मी मम्मी मैं अकेले एक लड़के के साथ हूँ अपने घर पे अकेले हाँ मम्मा वही लड़का जिसकी धरती के एग्जिस्टेंस के बारे में मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कल तक और आज मैंने उससे टेबल लिया और पिछले 5 घंटे से ना मैं उसके साथ ही बैठी हूँ और तो और मम्मी हम अकेले अभी कॉफी भी पी रहे और तुम्हारी मम्मी क्या बोलती बेटा वेरी स्वीट मेरी बेटी कितनी संस्कारी है ना यही बोलती ना और फोन से एक फ्लाइंग किस भी दे देती हेलो क्या सोच रही हो हाँ यार यू आर राइट आई मीन कल तक तो हम एकदम स्ट्रेंजर्स थे और आज ऐसे मतलब वो सब तो ठीक है लेकिन अगर हम लोग विदेश में होते ना तो कहानी कहाँ की कहाँ पहुंच जाती डार्लिंग ओहो प्लीज डिस्टेंस हाँ तुम और बात कहाँ की कहाँ पहुंच जाती तुम प्लीज हवा में मत उड़ो ओके कि तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि मैंने तुम्हें घर से इसलिए नहीं जाने दिया बिकॉज मुझे तुमसे कुछ अट्रैक्शन वट्रैक्शन होगी प्लीज अपने ये विदेशी फंडे अपने पास ही रखना ओ हेलो मैम मेरे पास ना इस सब चीजों के लिए टाइम नहीं है एक दो दिन में मेरा वीजा आ जाएगा और उसके बाद ना एक हफ्ते में इस कंट्री को बाय बाय टाटा बोल के छू वैसे मैं तुम्हारे इस डिसीजन से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती कोई इंटरेस्टिंग ऑफर है क्या नहीं फिलहाल तो ऐसे ट्रेनिंग ज्वाइन कर रहा हूँ चलेगा ना एटलीस्ट यहाँ से तो छुटकारा मिलेगा तुम अपनी सीनियर एनिमेटर की जॉब छोड़ के वहाँ पे स्ट्रगल करने जा रहे हो हम यार बड़े अजीब हो तो अरे मेरी छोड़ो यार अपनी सोचो इस शहर में अकेली रहती हो मुझसे भी ठीक ठाक अट्रैक्टेड हो आगे क्या इरादा है क्या इरादा होगा मेरा और वैसे भी तुम 7 दिन में जा रहे हो देखा कर दी ना वही टिपिकल देसी वाली बात स्पीड मैम स्पीड विदेश में ना स्पीड डेटिंग होती है जिसमें ना वो 1 मिनट में डिसाइड करते हैं किसके साथ डेट करनी है थोड़ी बहुत मस्ती करते हैं और एक हफ्ते में एक और स्पीड डेट नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड क्या ख्याल है डिस्टेंस यार प्लीज और ऐसे भी ये नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड आज मुझसे तो नहीं अब पता ही था मुझे ये तुम्हारा जो जर्नलिज्म और ये मॉडर्न थॉट है ना सब एक बहुत बड़ा शो ऑफ है क्लियरली शो ऑफ तुम्हें जो सोचना है सोच लो मुझे कोई फर्क नहीं एटलीस्ट मेरे साथ तो ये नहीं चल और मैं कौन सा तुम्हें लाइक वाइक करती हूँ ना 7 दिन में तुम जा रहे हो लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स ओ मतलब अगर 7 दिन में नहीं जा रहा होता तो चांस था ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत मुझे क्या तुम्हारा ही लॉस है अमा यार ये लड़का भी ये आमा क्या होता है तुम्हें आम बहुत पसंद है अरे अरे यार अभी नहीं मैं बहुत टेंशन में हूँ हाँ यार ऐसे करने से कौन सा वीजा मिलने वाला है हाँ लेकिन मुश्किल समय में भगवान को याद करने से ही तो हिम्मत मिलती है तो अमेरिका में भी लोग ऐसे करते हैं अमेरिका नहीं एशियन जापानी स्ट्रेटजी तुम ही समझो ओ इधर इधर मामा हाँ ओने हाँ मॉम आगे 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 हाँ मामा खोल रहा हूँ मामा अरे खोलिस ना खोलबो ना आगे दो ही शक्कर
खा तारपरे खोलीश। मम्मी दही शक्कर कौन खाता है? ठीक है यार, मम्मी बोले दही शक्कर खाओ तो तुम खाओगे? ऐसा होता है यहाँ पे? मम्मी है ना यार, बहुत फील करेंगे। वैसे मैं जनरली ये सब नहीं करता। हेलो अनिर। हाँ मम्मा, एक सेकंड एक सेकंड। इधर दो। जल्दी कर जल्दी कर। ये शेड्स। वो खोलो। मुझे वो खिला रहे हो? सिखाती हो यार। तुम्हारे मुंह पे भी लगाइए देखो। हेलो अनिर। हाँ मामा। हाँ मम, एक सेकेंड बस खोल ही रहा हूँ, एक सेकेंड। हाँ आ गया मामा, अप्रूव हो गया, हो गया मामा वीजा। पैसे सस्ते में निपट गए तुम, मेरा तो लंबा चौड़ा काटने का मन। फिर मैंने सोचा चलो यार बच्चे पे रहम किया जाए। भाई साहब रहम ना, तुम इस पिज्जा पे करो। हाँ तुम लोग इस टाइप का पिज्जा खा कैसे सकते हो? पिज्जा पे तंदूरी चिकन और ये पाइनएप्पल डाल के ना बर्बाद सिर्फ यहाँ ही होता है। पिज्जा एक इटालियन डिश है, इसका टेस्ट को करप्ट नहीं करना चाहिए। अरे ए, क्या कर रही हो? नहीं हॉर्मोन्स को कंट्रोल करो डालिंग, ये इंडिया इंडिया। क्या? हाँ अबे हाथ मत पकड़ोगी तो लोग मिक्सिंग करने आ जाएंगे। ओ ऐसा है क्या? अच्छा एक काम कर, वेटर ये लीजिए, हमें नहीं चाहिए। तुम्हें बड़ा शौक है ना क्लासिक इटालियन पिज्जा खाने का? क्या कह रहे थे वो? पिज्जा क्रीम सॉल्ट, प्लीज पिज्जा क्रीम सॉल्ट मत करो और करप्ट से बिल्कुल मत करो, हाँ ना? हाँ हाँ, एक क्लासिक को क्लासिक की तरह खाना चाहिए, तुम क्या समझोगी वैसे भी। हाँ सर यम ना, माइन इज डैम यम। या इट्स रियली गुड। क्या ये? क्या? अंदर तो बड़ा हाथ पकड़ रही थी। उसका एक रीजन था। हाँ तो इसका भी एक रीजन है, इनफैक्ट इसके तो दो रीजन है। ओह रियली? क्या? पहला कि मैं तुम्हारे साथ फ्लोट कर रहा हूँ और दूसरा तुम्हारे हाथों को टच करके जो बॉडी में टिंगलिंग सेंसेशन आती है ना, वो इससे पहले किसी लड़की के साथ नहीं आई। कितने बड़े चीप हो यार तुम, सीरियसली? देखा यही तो प्रॉब्लम है, स्टीरियोटाइपिकल देसी मेंटालिटी। अगर मैं यही बात घुमा फिरा के तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के, तुम्हारी ये एक जुल्फ तुम्हारे कानों के पीछे डाल के, बहुत सारा टाइम वेस्ट करके, चांस पे डांस करके बोलता तो चलता? सर उसे टाइम वेस्ट नहीं कहते, उसे रोमांस कहते हैं, मैजिक। अच्छा तो तुम्हें मेरे साथ रोमांस करना है, स्लो एंड ईजी? एग्जैक्टली, इतना स्लो कि तुम सीधे अमेरिका पहुंचो अपनी उस स्टुपिड सी घटिया ट्रेनी वाली नौकरी के लिए। तो अगर अमेरिका नहीं जाता तो चांस था? ज्यादा हवा में ना उड़ने की जरूरत नहीं, और वैसे भी यस 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 यस। भैया भैया एक पानीपुरी, एक सेवपुरी, एक भेलपुरी, तीखा थोड़ा कम। और तुम क्या खाओगी? भैया एक प्लेट अमेरिकन पानी पूरी। अमेरिकन पानी पूरी क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ सीरियसली आऊं? बड़े आए अमरीका वाले, तुम्हें पता है तुम ना यहाँ के अलावा कहीं दिल नहीं लगा सकता। जब तुम जा रहे हो तो बात बताओ तुम यहाँ का सबसे क्या मिस करोगे? दादा को नहीं मैं करूँगा सबसे ज्यादा अपनी ऑटो केटन और पानीपुरी अंकल को मिस करूंगा। तुम ये गाड़ी बेचोगे? नहीं सोचा नहीं इसके बारे में, क्यों तुम क्या चाहिए? डिस्काउंट होगा? डिस्काउंट दे दूंगा तुमको। कितना? न्यूज़ वाला डिस्काउंट।
Hey, what's up, babe? What's happening? Oh, sorry, auntie. Zibu, आ गया तेरा बुलावा. Hi, Onir. What's up? Hi. Mom, Dad, आपको बताया था ना Onir के बारे में? And Onir, this is my super cool dad. Zibu, अरे come on, man. And my beautiful mom. Come on, बस उसे रहने दो. Don't be so formal, हैं? Come. Sit. तुमने बताया है तुम्हारे पेरेंट्स भी आए हुए हैं. सॉरी अंकल, सॉरी आंटी. एक्चुअली हम एक पार्टी में जाने वाले थे, बट इट्स फाइन. आप लोग इतनी दूर से आए होंगे तो मैं. अरे सॉरी किस बात की? जीबू को खुद नहीं पता था कि हम दोनों आने वाले हैं. एक्चुअली वो तो आज ऑफिस से वापस आई एंड देन माय पेरेंट्स सरप्राइज. ये पेठा खिलाइए ना इसे, आगरा की स्पेशलिटी है. जो हम दिल्ली से उठा के लाए हैं. इट्स ओके. 25 सालों से ये बाप और बेटी के सेंस ऑफ ह्यूमर को मैं भी समझ नहीं पाई. डोंट ब्लेम. खाओ, बहुत टेस्टी. ओके मॉम, वी गॉट टू गो, आई एम लेट टू द पार्टी के लिए. अच्छा ठीक है. ओके अंकल. बाय बाय मॉम. बाय 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 बाय, टेक केयर. हाँ यार, तुमने तो आज कमाल ही कर दिया. मतलब तुमने एक्चुअली मेरे पेरेंट्स के पैर छुए. और क्या करता है यार? क्यों ऐसे तो बड़े विदेशी बने फिरते हो. बोलना चाहिए था ना, हे बेबी व्हाट्स अप ब्रो. और उसके बाद ना वो मेरा और तुम्हारा दोनों का पैकअप करवा देते. और वैसे भी इंडियन पेरेंट्स है ना, दे लाइक ऑल द फीट टचिंग एंड ऑल. तुम्हें ये सब बहुत पसंद आता है. एक मिनट, तो तुमने ये सब इसलिए किया ताकि वो तुम्हें पसंद करे? किस खुशी में? तुम्हें अगर वो पसंद नहीं भी करते तुम्हारा क्या था? तुम ऐसे भी दो तीन दिन में जा रहे हो. वो एक्चुअली दो चार दिन नहीं, वो मुझे तुमसे कुछ कहना था. व्हाट प्लान चेंज? नहीं जा रहे? नहीं नहीं, ऑब्वियसली जा रहा हूँ, बट हाँ छोड़ो यार, तुमसे भी एक नंबर के फुद्दू हो. दैट्स इट. फुद्दू मैं? तुम चाहे कितने भी बड़े विदेशी बन जाओ, दिल से ना तुम पक्के विदेशी हो. व्हाट रबिश. तो खाचिस कितना पी रही हो यार, बस करो. नहीं क्यों अब बड़े पोजेसिव बन रहे हो? उस दिन तो बड़ी डींगे हांग रहे थे. नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड. बहुत पी लिया तुमने, प्लीज बस करो. बस नहीं नहीं सी बात नहीं, बस 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 नहीं नहीं सी बात नहीं, बस 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 सी बात. हां ना, गुड टाइम यार. अरे बस करो यार, हो गया ना गुड टाइम. नहीं नहीं नहीं, प्लीज 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 प्लीज, बहुत पी लिए तुमने. प्लीज बहुत पी लिए, बहुत पी लिए, बहुत पी लिए तुमने. प्लीज माय फेवरेट सॉन्ग. फेवरेट सॉन्ग? लेट्स डांस. कम ऑन यार, कम ऑन. नहीं नहीं, नो नो ज़िबा, प्लीज नो ज़िबा. नो नो नो, यू गो, यू गो ज़िबा. नहीं ज़िबा, ज़िबा नहीं नहीं नहीं, ज़िबा ये मेरा फेवरेट सॉन्ग नहीं. ज़िबा करो ना तुम. ना हाँ उठ गई तुम. कॉफी? तुमने कल रात मुझे घर ड्रॉप क्यों नहीं किया? अब मॉम डैड को क्या कहोगे? मैडम आपने अपनी हालत देखी थी कल, पेरेंट्स देख लेते ना तो बैंड बजा देते. गॉड मॉम. हेलो मॉम. हेलो. आपने फोन किया था? हाँ, तुम कल रात से फोन क्यों नहीं उठा रही? आई एम सो सॉरी मॉम. मैं मॉम ऑनिर, ऑनिर की जो फ्रेंड है ना, हम उसी के घर आ गए थे. ओके, बट एक कॉल कर देती. जी मॉम, आई एम सो सॉरी. अच्छा काम
हाँ मॉम, मैं बस अभी आ रही हूँ अभी। यार बहुत बुरा लग रहा है मॉम को झूठ बोल के। छोड़ना है, जो हो गया वो हो गया। हाँ बट मैंने आज से पहले मॉम को कभी झूठ नहीं बोला है। It's always the first time. जैसे कल रात। कल रात? क्या हुआ कल रात? तुम्हें सच कुछ पता नहीं कल रात क्या हुआ? शायद यही तुम्हारे लिए सही है सीबा। कल रात क्या क्या हुआ मैं क्या बताऊं? पर मैं वादा करता हूँ जो भी हुआ ना वो सिर्फ और सिर्फ हमारे बीच ही रहेगा हमेशा। पर कल रात हुआ क्या? कल रात तुम सच में आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें समझाने को फिर भी नहीं मानी। किस बात के लिए? कल रात यू मीन हम दोनों रात इस कमरे एक्चुअली मतलब तुम कहने की क्या कोशिश कर रहे हो कि नहीं नहीं सीबू तुमने किया ये सब। ये सब किया और यही सब नहीं और भी बहुत कुछ हुआ कल रात को सीबा। Are you like serious? तुम्हें एक्चुअली लगता है कि मैं ये सब बिलीव करती? You know what? तुम अपने टेस्ट में 100% पास हो गए हो बच्चा। Good. Ouch. You know what? मुझे लगता है हर देसी लड़की का ना लाइफ में एक चीज तो ये है कि उसे ये सीन जरूर इनैक्ट करना होता है और उसे लगता है कि हर लड़की ना स्टीरियोटाइपिकली चिल्लाएगी कि मैं लुट गई बर्बाद हो गई डफर। आई यार मैं तो सोच रहा था तुम्हारे कपड़े भी बदल दूं और अपनी टी-शर्ट पहना दूं सीन ऑथेंटिक लगता ना। ए शट अप हो गया ये क्या Can't do this. क्या मेरी आज शाम की फ्लाइट है। ये तुम मुझे अब बता रहे हो आज सुबह? सॉरी बट मैं दो दिन से ट्राई कर रहा था तुम्हें बताने लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया ना है ना। I'm really sorry. You know what? You should feel sorry. लेकिन मेरे लिए नहीं, अपने लिए। Just look at me when I'm talking to you. क्यों जाना चाहते हो तुम यूएस? तुम्हें लगता है कि दो चार विदेशी सीरियल्स देखने से, तीन चार ट्रैवल की बुक्स पढ़ने से वो लोग कूल हो जाते हैं और हम अनकूल? तुम्हें क्या लगता है ये मेरे लिए बहुत इजी है? मेरी मॉम है, मेरे दोस्त है, लेकिन मैं जा रहा हूँ मतलब मैं जा रहा हूँ ना। यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्यों जाना चाहते हो तुम? क्यों? इतनी लविंग मॉम है यहाँ पर, इतने केयरिंग दोस्त हैं, इतना ब्राइट करियर है ऑनर, तुम ट्रेंड सेटर बन सकते हो, लेकिन तुम्हें स्ट्रगल करने यूएस जाना है। ऑनर प्लीज मुझे अपनी तरफ देखो एक बार प्लीज। क्यों रोकना चाहती हो मुझे? जवाब देने की बारी तुम्हारी है। Give me one good reason why I should not go. मेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। तुम तो वैसे भी कुछ नहीं चाहते हो राइट? क्या कहा था तुमने? No strings attached, right? Sorry यार, हूँ मैं देसी। सोचा था friends बन के रहेंगे, थोड़ी बहुत मस्ती-वस्ती करेंगे, but छोड़ गए यार धागे, हो गई attachment। आ गई ये stupid emotions बीच में। पता है सबसे अजीब बात क्या है? इस वक्त मैं जो महसूस कर रही हूँ, ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। One-sided नहीं है। नाकों को छोड़ते हुए तो तुम तब देखोगे जब तुम्हारी नाकों से पट्टी उतरेगी। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया लेकिन शायद मैं बेवकूफ थी।
क्या यार मॉम? तुम? तुम्हारी तो मैं तो क्या फ्लाइट थी ना. यू नो क्रोएशिया में एक ट्रेडिशन है, जब तक सामने वाला तुम्हें गुड बाय नहीं बोलता ना तुम जा नहीं सकते. और तुमने तो मुझे गुड बाय नहीं बोला, फ्लाइट मिस हो गई. हमारा तुम भी अजीब इंसान हो, अगर जाना ही था तो थोड़े पहले निकल जाते ना. अब फालतू में टिकट बुक करानी पड़ेगी. बुक करा दी या कर ली या फिर रात की. इतने सवाल करती हो तुम, टिपिकल इंडियन लड़की की तरह. जो ये एहसास दिलावे कि हम इंडियंस इंडियंस ही रहेंगे, चाहे जितना भी ट्राई कर लो, स्ट्रिंग्स तो अटैच हो ही जाती है ना. इसका मतलब तुमने अपनी फ्लाइट छोड़ दी. इसका मतलब तुमने अपना प्लान कैंसिल. इसका मतलब तुम मुझे यहाँ पे. हाँ यार तुम सवाल बहुत करती हो. तुम्हें पता है ईस्टर्न ग्रीस में प्रपोज कैसे करते हैं? शक बेशक है चांस, लव बाई चांस, ओ लव बाई चांस, लव बाई चांस, लव बाई चांस, लव बाई चांस. बस 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 ब